मैं। बेगम, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे सामने जबान चलाने की? आज तो बाकायदा धो रही है फिरोज को। जन मुरीद के औकात ही है ये, अगर पहले दिन से डरा के रखता ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हमें। अब्बा, सहरी का वक्त हो रहा है, इन्हें बोले जरा तो ख्याल करें। तुझे आज बड़ी फिक्र हो रही है भाई। अब्बा, मेरे कहने का मकसद ये था कि सहरी कौन बनाएगा आज? अपनी बीवी को जाके क्यों नहीं उठाता? नहीं अब्बा जान, डॉक्टर ने उसको सख्ती से आराम फरमाने को कहा है। लानत है भाई तेरी जिंदगी पे, सारे चोरू के नौकर इसी घर में आ गए। भाई एक लानत है आपकी जिंदगी पे, चोरू के नौकर नहीं होता, चोरू के गुलाम होता है। स्कूल भेज के फीस जाया करती। मैं ही देख कर आता हूँ अंदर। एक ही जिगर वाला है इस घर में। बिल्कुल ही पागल हो गई है, उसे भी मार रही है, इसे भी मार रही है। मैं जाके देखता हूँ अंदर। नहीं अब्बा, आप ना जाएं, आप ना जाएं। अरे नहीं नहीं, मेरे साथ क्या करेगी, मैं सुसर हूँ उसका, कमाल करते। लगता है अब्बा की भी खैर नहीं आज। बिल्कुल ही वाइल्ड है, कोई तरीका ही है? जी पापा, आप कुछ कहने आए थे? ये आ गए वहीद मुराद की औलाद। जी पापा, लाना था तुम्हारी जिंदगी पर। आज एक बात समझ में आ गई है, बिल्ली को अगर रास्ता ना मिले तो वो हमला कर देती है। पापा, पापा, आप मेरी वाइफ को बिल्ली नहीं कह सकते। इतनी मार खा के भी लहजे की शीर नहीं निकली। आफरीन है तेरी बेगैरती पे, वो देख क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। शेरी, शेरी मेरा बेटा, शेरी, शेरी मेरी जान। पापा क्या हुआ, क्या है? हुआ क्या है, आपकी वाइफ जो अंदर कबड्डी खेल रही है ना, उसमें आपका टैग पार्टनर था ये, कुत्ते की तरह धोया मेरे बच्चे को। क्या उसमें बाजी आ रही है यहाँ? तुम्हारा मतलब है क्या वो भी यहीं रुकेंगी? अरे हाँ, तो उसमें ऐसा क्या हो गया? अगर मेरी बहन इस घर में चंदन रह लेगी तो? तुम भूल रही हो माजी को, शेरी भाई तुम्हारी बहन से शादी करने के चक्कर में पागल हो गए हैं और तुमने उन्हें यहाँ बुला लिया। तुम्हारा तो पूरा खानदान ही पागल है, और वैसे भी ये बात तो इतनी पुरानी हो गई है, अब तो बाजी का बेटा भी इतना बड़ा हो गया है। बेटा बड़ा हो जाने से कुछ नहीं होता, शेरी भाई आज भी उनसे उतनी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने शेरी भाई को एक रुमाल दिया था, वो आज सुबह भी अपना मुंह उसी से साफ करते हैं। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, ये बिल्कुल सच बात है, मैं रोज सुबह उन्हें देखता हूँ। अरे भाई क्या बात हो रही है, मुझे भी बताओ। अंकल आप ही बताइए, अगर मेरी बहन इस घर में चंदन रह लेगी तो क्या कयामत आ जाएगी? अब्बा, शेरी भाई, उस्मा बाजी। अब्बा, उस्मा मेरी पहली मोहब्बत है, अगर वो इस घर में रहेगी तो मेरा क्या होगा? हशमत, मैं तुम्हारी आखिरी मोहब्बत हूँ ना, उस्मा मुझसे नाराज है, वो तुम्हारे घर में नहीं रहेगी तो आप कहाँ रहेगी? हैं? बोलो। अरे चुप क्यों हो गए? हशमत मेरी खातिर, सही है, ठीक है। देखा, अब्बा के सोचने का मकसद भी यही कि वो यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन अंकल मेरी बहन कहाँ जाएंगी, उनकी तो अम्मी से लड़ाई हुई हुई है। ये बात भी सही है भाई, देखो शहरी तो जवान बच्चा है, वो दुख सह लेगा। मैंने फैसला कर लिया है, उस्मा यहीं रहेगी, तुम बुला लो उसे। मैंने तो फोन कर दिया उन्हें, बस पहुँचने वाली होंगी वो। अब्बा, वो शहरी भाई का क्या होगा? चुप, शहरी की परवाह है, रुकैया का जरा ख्याल नहीं है तुझे, रमजान है, थोड़ी हेल्प हो जाएगी उसकी। शहरी का क्या होगा? यार एक तो ये हर जगह मुझे क्यों नजर आती है, क्यों क्यों? चमाट मार दूंगी अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो। तुम सुधरे नहीं, लेकिन सुधरोगे भी कहां से, हशमत का खून कहां सुधरने वाला? तो तुम क्या सच में हो? हाँ तो तुम क्या उसे छोड़कर आती मेरे लिए? मेरी अम्मी से आजकल बातचीत बंद है, इसीलिए मैं यहाँ ईद गुजारने के लिए आई हूँ, और तुम किसी खुशफहमी में मत रहना। अम्मी अम्मी, ये क्या तुम्हारा बेटा है? हाँ तो, बुरहान नाम है इसका। इधर आओ बेटा, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं। अम्मी ये रो क्यों रहे? रहने दो बेटा, इनका तो खानदान ही रो तू। किस ऐसे ऐसी औरत इस घर में रह रही है? कुछ अरसे तक ये शहरी की मंगेतर थी, और आज तुम लोगों ने ऐसे मेहमान बना के रख लिया, और ऊपर से सारा का सारा घर कंगला। कमाओ तुम खाइए। अरे बेगम, खुदा के लिए ऐसा मुझे समझने की कोशिश करें, हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं इनसे, बचपन में हम लोग खेला करते थे एक साथ। अभी भी खेल रहे हैं या खिलाओ में? अरे सुबह में पिट्टू गरम खेलते, बड़ा अजीब नहीं लगेगा? सारे के सारे पिट्टू मैं तुम्हारे सर पे फोड़ूंगी फिरोज,
अगर मेरे साथ तुमने ओवर कॉमेडी की, जाओ जाकर अपने रंगीले बाप से बात करो। ये औरत इस घर में नहीं रहनी चाहिए। आपका गला खुश्क हो जाएगा, रोजा है आपका, प्यास लगेगी ना आपको। मैं भी जाके पापा से बात करके आता हूं। और प्लीज अपने बाप को पापा मत बोला करो, उन पर बिल्कुल सूट नहीं करता। पापा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा बाद में आना, अभी माहौल बनाओ, चलो। अरे इसी माहौल के मुतालिक ही तो मुझे आपसे बात करनी है। मतलब खाला रुकैया की बेटी उज्मा पूरे घर में दंदनाती फिर रही है। मुहर्रम ना मुहर्रम भी कोई चीज है पापा? रमजान में मुहर्रम, मेरा कहने का मतलब था कि ना महरम, वो हम सबके लिए ना महरम है, और फिर खासकर शेरी के लिए तो कुछ ज्यादा ही ना महरम है। ये कुछ ज्यादा ही ना महरम से क्या मुराद है? और कान खोल के सुन लो, जब तक रुकैया और उज्मा की सुलह नहीं हो जाती, उज्मा यही रहेगी इसी घर में। मगर पापा उसका खर्च आ गई ना, खर्चे की बात तेरे मुंह पे, उसका खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। मगर पापा खर्चा तो आपका मैं उठा रहा हूँ। बकवास करने की जरूरत नहीं है, रमजान है, मेरा सीजन चल रहा है, हशमत को किसी की मोहताजी नहीं है। और इधर आओ जरा, इधर आओ। नहीं आप मारेंगे पापा? अरे नहीं मारूंगा, इधर आओ। कसम खाए? हाँ कसम से नहीं मारूंगा, इधर आओ। ये किताब उठाओ और सफा नंबर 250 निकालो। ये क्या है पापा? करंट वाली किताब, कल ही खोटी गार्डन से लेकर आया था। खोटी गार्डन? करंट लगा बहुत जोर के। चल दफा हो रहा यहाँ से। बड़ा आया भाई। चप्पलें कहाँ गई? कहाँ रखती चप्पलें? भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बच्चे के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था भाई। लानत है आपकी जिंदगी। अंकल लगना आपने शेरी मामू को देखा है? ओ मामू होगा तेरा बाप। तुफ है भाई, तुफ है। शेरी मामू ने आपको पकड़ लिया। शेरी मामू? अबे ओ मामू क्यों बोल रहा भाई? शेरी मामू मैंने आपको ढूंढ लिया है। मार दूंगा, चुप चुप। अम्मे अरे बेटा रुको तो यार। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? अरे अबू वो तो बच्चे को डरा रहा था मैं जरा। तो बेटा मास्क पहनने की क्या जरूरत थी, वैसे ही डरा देते आप। तो हर जगह पता नहीं क्यों नाजिल हो जाते हैं। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? अरे अब बच्चे के साथ घोड़ा घोड़ा खेल रहा हूँ। घोड़े के चक्कर में कुत्ते बन गए। अब उतर भाई, उतर, चल। अम्मी अबे यार एक तो तुम घोड़ा। यार दो घंटे से धूप में खड़े हुए, कोई बता नहीं कब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। एक मिनट। अरे भाई क्या हो रहा है? इस मोहल्ले में आईपीएल के लेवल की लीग करा रहा हूँ, ऑल कराची रमजान हशमत क्रिकेट टूर्नामेंट, और आप लोग इस तरह चीखम चिल्ली कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्या? भाई हशमत कौन है? मैं हूँ हशमत, क्या कर लोगे? अब एक काम करो, लाइन बना लो, पैसे देते जाओ, नाम लिखवाते जाओ। पहले मैं आया था बच्चों को बोला, बच्चों को तुम भी पढ़े। अरे भाई 40 टीमें हो गई हैं, कैसे होगा मैच? कैसा टूर्नामेंट है? दो दो ओवर का मैच भी कराना तो बकरे तक चलेगा, क्या हो गया अब्बा? तू गधा था, गधा ही रहेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये नाइट टूर्नामेंट है, अगर नाइट में लाइट होगी तो टूर्नामेंट होगा ना, और अगर लाइट नहीं गई फिर तो तू तारे तोड़ेगा। अरे नहीं भाई मुझे मत घसीटा करो हर काम में। एक तू ही तो मेरा बेटा है, वो दोनों तो जनमुरीद है। हाँ है तो जनमुरीद। तोड़ेगा ना मेरा बेटा? हाँ तोड़ दूंगा। अच्छा चलो वो एंट्री फीस निकाल जो तेरी जेब में। ओ भाई वो तो कल का बोल रहा था। मैंने देख लिया था बेटा, बाप से होशियारी मत कर, निकाल चल निकाल चल। अच्छा आधे आधे, कोई नहीं पूरे दो जाओ। अरे खाला अब जो भी है तो आपकी बेटी ना, हमारे घर पे रुकी हुई, आके मिलने बिचारी से। अरे हाँ है तो मेरी बेटी, बिचारी बिचारी नहीं है वो बिल्कुल, मुझसे लड़ती रहती है, अपने शौहर से लड़ती रहती है। तो मेरा दामाद हीरा है, हीरा जो कुछ नहीं कहता, चुप रहता है उसके आगे। बस कर रहा है, वैसा भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो पिन करता होगा ना वो हमारी उज्मा के साथ। हाय हाय शेरी आफरीन है भाई तुझ पे आफरीन, मेरी बेटी ने तुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, तू फिर भी उसी के ही गीत गाए जा रहा है। अपने भाइयों को तो तू बहुत जनमुरीद जनमुरीद कहता है, तू तो उनसे भी कई हाथ आगे है। बस कर दो खाला, समझाने आया था बेचारी का दिल ना दुखे,
उसकी कोई दो रोटी मुझ पे भारी नहीं है। खुद के खाने के लिए पापों के पैसे नहीं है, चला उसको दो रोटियां खिलाने। क्या तुम कंगले खानदान को मैं जानती नहीं हूँ क्या? बस कहने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ है, बस किसी वजह से छुपूं। मुझे ना तो ये जूती खींच के मुंह पे मार दूंगी, बता दूं। बिल्कुल अब्बा की टाइप की हो। चल कमीने कमबख्त, आ गया हमारा सुकून बर्बाद करने। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म होती ना, कम से कम यहाँ आकर ना रहती तुम। ओ तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आके शर्म की जाए, फिर तो तुम्हें बिल्कुल भी हया नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ शादी जो कर ली है। ऐसे तो तुम्हारी बहन की भी शादी यहाँ पे हुई है, मेरे शोहर तो अच्छा खासा कमाते हैं। और रही बात तुम्हारी बहन के शोहर की, निकट्टू निकम्मा खानदान। तुम्हारे शोहर को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है इस घर का। भाई किससे क्या छुपा हुआ नहीं है, कुछ हमें भी तो पता चले। अरे ऐसा ये क्या जानती है जो मुझे नहीं पता, जरा मुझे भी तो पता चले। अरे भाई क्या बात हो रही है, मुझे भी तो बताओ। देख बिस्मा, तेरे ससुराल में मेरे निवाले गिने जा रहे हैं। अरे कौन गिन रहा है तुम्हारे निवाले? मैं गिन रही हूँ, क्या कर लोगे भूखा नंगा खानदान। अरे भाई ये क्या तरीका है, घुमा मेरा के खानदान की बेइज्जती हो रही है। अरे हड़िया भाई, सनमुरीद की वजह से सारी बात हो रही है इस घर में। नहीं नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं हो रही, ये इसकी साहब का मंगेतर की वजह से हो रही है, जो मेरी बेगम से मुसलसल हो रही है। फिरोज भाई एक्सक्यूज मी, मेरी बहन की पहचान आपके भाई की साहब का मंगेतर की वजह से नहीं, मेरी बहन होने की वजह से। अरे भाई क्या हो गया, मेरी बात भी सुन लो भाई। अब्बा अगर मुझे पता होता कि मेरी साली की इस घर में भाभी इतनी बेइज्जती करेंगी, तो मैं इन्हें ले जाकर किसी अच्छे से गेस्ट हाउस में ठहरा देता। गेस्ट हाउस? कभी चारपाई होटल की भी शक्ल देखी है? बातें सुन लो, जे में नहीं धेला देखने चले मेला। बिस्मा देख रही है, ये तेरे शोहर की इतनी बेइज्जती कर रही है और तू सुने जा रही है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ फिरोज की औकात को, हमारे घर से तिब्बत क्रीम का चुरा कर ले जाता था ये। खुदा पाक की कसम, वो तो पापा ने कहा था कि उन्हें लगानी थी, तो मैं उनके लिए लेकर आ गया था। नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा कहेगा। मैंने कहा था जब मैं लगा लूं तो वापस रखाना, तुमने रखी नहीं किया। नहीं बाबा, आप गलत बयान से काम ले रहे, झूठ बोल रहे हैं। अबे तू झूठ वाला, बाप को झूठा कहला रहे, पागल खाना ये पागल खाना। पापा मैं भी जाऊं। चला जा जनमुरी, पूछ रहा है मुझसे। अल्लाह क्या हो गया अब्बा? अब्बा सब ठीक तो है, क्या हो गया? तेरी अम्मी की बहुत याद आ रही है बेटा। पापा 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 पापा, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज कर सकता हूँ? पूछो बेटा पूछो। वो बेगम कह रही है कि अगर अम्मी की आपको इतनी ही याद आ रही है तो आप वहीं क्यों नहीं चले जाते? इधर आ बेटा, आ ना मेरा बच्चा। नहीं नहीं, इतना बड़ा हो गया तुझ पे हाथ थोड़ी उठाऊंगा बेटा, आ जा। ये देख हाथ ऊपर कर लिया बेटा, आ जा इधर आ बेटा, इधर आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजी हशमत साहब का घर यही है? जी जी यही घर है, फरमाइए। नहीं नहीं बस बाकी बात मैं हशमत साहब से करूंगा, बहुत शुक्रिया आपका। अरे बंदा खुदा मैं ही हशमत हूँ, बताओ क्या बात है। ओ हो 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 हो, अरे दरअसल हमारी बीवी आपके घर में है। बदतमीज नाहिंजार, हम बहू बेटियों वाले लोगों पर इल्जाम लगाता है कि तेरी बीवी हमारे पास है। अरे मैं उजमा का शोहर हूँ, रुकैया का दामाद। ना 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 ना, मैं नहीं मानता। और ये गाड़ी किससे मंगवाया? अरे भाई ये गाड़ी मेरी है और मैं उजमा का शोहर हूँ। भाई गुप अंधेरे में भी ये निकाह हो तो मुमकिन नहीं है, मैं नहीं मानता। अरे आप मुस्तकिल मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं? अच्छा वाकई सही कह रहे हो। जी देखो भाई एक बात समझ, आदमी को गाड़ी वो रखनी चाहिए जिसका वो मालिक लगे ड्राइवर ने, और शादी उस औरत से करनी चाहिए जिसका खावन लगे नौकर ने। तुमने दोनों काम ही गलत किए हैं। पापा पापा। अरे बेटा बच्चा भी मैच नहीं कर रहा, तजाद ही तजाद। चलो बेटा अंदर चलते हैं। भाई इससे अच्छा तो हमारा शरीर था, पता नहीं क्या देख के रुखैया ने शादी कर दी। भाई मरवाओगे क्या? मैं तो कह रहा हूँ मत करो, चलो यहाँ से भाई। अबे अब्बा ने 40 टीमों की एंट्री फीस पकड़ ली है, मैच तो तुम्हारा बाप भी नहीं करा सकता, इसलिए दोनों पीएमटी के ब्रेकर गिराने पड़ेंगे। पर भाई मुझे पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाएगी, उसका क्या होगा? अबे अगर लाइट नहीं गई और मैच नहीं हुआ ना तो सोच 40 टीमें क्या करेंगी। अब्बा तो निकल जाएंगे साइड से, पिटेंगे तो हम लोग ना। भाई मुझे बहुत डर लगा भाई। तू हिम्मत कर शाबाश, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। शाबाश शाबाश। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शाबाश बिस्मिल्लाह। अरे भाई मैं तो खुद कंप्लेन करने के लिए आया था कि हमारे इलाके में लाइट नहीं आ रही, लेकिन ये दफ्तर बंद करके कहीं चले गए। हमने खुद देखा है आपके बेटे को तारे तोड़ते हुए, कह रहे हैं कि टूर्नामेंट नहीं होगा, लाइट नहीं है। मेरे बेटे तारे तोड़ रहे थे? जी 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 जी। इस उम्र में बाप को जलील करा दिया, मैं तो रमजान की आखिरी ताक रातों की इबादत में लग गया था, इन लड़कों ने मेरा नाम मट्टी में मिला दिया। मैंने तो टूर्नामेंट की रकम भी इन्हीं के हवाले की थी। टूर्नामेंट तो आपके नाम से था, हशमत टूर्नामेंट। यही तो
बाप का नाम इस्तेमाल करके बाप को चूना लगा के निकल गए। ये आपका मसला है, कहाँ है वो? हमें बताया, हम खुद निपट लेंगे उनसे। मैं खुद उनको ढूंढ रहा हूँ, आओ मिल के ढूंढते हैं, आ जाओ। ओए, ये भी इन्हीं का बेटा है, देख क्या रहे हो, पकड़ो इसको। अरे भागो, तेज भागो बदबख्तो। या अल्लाह, बस आज की रात मेरे बेटों को बचा ले, कल तक इन नौजवानों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और मुझे भी कोई टोपी सूख जाएगी। प्लीज अल्लाह मियां, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह ये लोग, अबे भाग, अब पहले बलि चढ़ा दी लगता है, भाग, निकल निकल निकल। ना मेरा लेना, ना मेरा देना, बदनाम करके रख दिया आप लोगों ने मुझे पूरे मोहल्ले में। अब सोचे पापा, अगर मैं उन लोगों के हत्थे चढ़ जाता तो मेरी कितनी पिटाई करते, मतलब मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। ये सोच सोच के हॉल उठते हैं हॉल। अबे तेरे लिए बेइज्जती क्या, तू तो रोज पिटता है, रोज बेइज्जत होता है, बेगम से भी पिटता है। मसला तो मेरा था और अब्बा आपको भी बोला था मत करो। चुप कर, इतना लंबा बांस लेके घूमेगा लोग तो देखेंगे। चुपचाप मोटरसाइकिल की चेन जो थी बिजली की तारों पे फेंक देता, लाइट चली जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। अब्बा, मैंने शेरी भाई को पहले ही कहा था ये सारे काम करने से पहले एक मरतबा अब्बा से मशवरा ले, उनका इन कामों में दिमाग शैतानों के सरदारों की तरह चलता है, मगर ये नहीं माने मेरी बात। इधर आ, इधर आ। ये वो है अच्छा भाई, कल अफ्तार तक बचा के निकलना, पकड़ा ही मत देना, मैं कल तक कोई टोपी सोच लूंगा। नो, इनफ इज इनफ। अबे बाप को अंग्रेजी बोलता है, है? शरी बेटा, बेटा जब इसको मारपीट करके खत्म कर लो तो बाहर आ जाना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ओके अब्बा। हमारे दोस्त का बेटा इतना बड़ा आलिम बन गया, ये तो बहुत फखर की बात। कौन तुम भाई, और कौन? तुम मोहम्मद सालेहीन के बेटे नहीं हो? जी जी बिल्कुल। तुम्हें याद है तुमने लास्ट ईयर मेरे बेटे का निकाह पढ़ाया था बैरोज का, रुकैया की बेटी से? ओ जी जी, वो चलती गाड़ी में। हाँ, याद है तुम्हें। एक्चुअली अब मसला ये है कि मैं और रुकैया निकाह करने जा रहे थे। हाँ, तो क्या ये पॉसिबल है? जी आप उनसे निकाह कर सकते हैं, शरण तो ये जायज़ है, लेकिन अगर आपका बेटा मान जाए तो। अरे ना माने तो ऐसी की तैसी उसकी लाश गिरा दूंगा कोई निकाह के बीच में आया। कैसी बातें कर रहे हैं अल्लाह के घर में बैठ के? अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफुरुल्लाह। निकाह तो हो सकता है ना? जी जी, निकाह बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। आप कोई खिदमत मेरे लायक? नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं, बताओ, बोलो बेटा। अरे नहीं बोलो तो। चले आप कहते हैं तो दे दे। अरे अब दोस्त के बेटे हो, तुमसे क्या लेन देन, सही चलते हैं। अच्छा ख्याल रखना। दरवाजा खटखटा के जाऊंगा तो रुकैया समझ जाएगी, सरप्राइज का मजा नहीं आएगा। कूद के जाता हूँ। अरे रुकैया खाला के घर में चोर, पकड़ो। अरे 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 चोर, जल्दी आ जाओ। भाई हम इतना पिटते हैं, आज तो मेरी बारी है, आज तो अपना गुस्सा निकालूंगा। अरे आ जाओ, अबे जल्दी मारो सामान, मुझे जल्दी वहां से लिया। अबे सामान जाओ, इसको ब्लड का निशान बनाएंगे साले को। हटिए हटिए, हमें भी मार दीजिए, हमें भी मार। अबे मारो, मुझे जल्दी करो, वहां से लिया करो। हट जाइए, मुझे भी निकी का मारने दीजिए। मारो, अबे आ जाओ सामान जल्दी। अरे खुदा का खौफ करो, अरे अरे भैया, ओ पा मारो, अरे मारो। अरे भाई रोक रोक यार, तक गए टहर टहर के मारेंगे यार। अबे ये तो वही जा जाए जो टूर्नामेंट के पैसे खा के बैठे हुए। हां वही है, मारो मारो। अरे 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 ला 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 ला। एक बार मैं ठीक हो जाऊं, फिर इसी खाट पे तुम तीनों को ना लिटा दूं ना, तो मेरा नाम भी हशमतुद्दीन नहीं। मगर पापा, हमें क्या पता था कि वो आप हैं? और वैसे एक बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही कि आखिर आप रुकैया खाला के घर की दीवार भलांग क्यों रहे थे? अब्बा मेरा ससुराल है वो, आपने तो मेरी नाक ही कटा दी। अबे तेरी नकड़ नीचे, तुम तो कुत्ते नीचे वाली हरकतें करते हो। सबसे बड़ा नीच तो तू है, लोगों को चिल्ला चिल्ला के जमा करने वाला यही था, और तू दही लेने घर से बाहर ना निकले, आधी रात में बाहर घूम रहा था। अब्बा भाई को तो भाभी ने घर से धक्के देकर बाहर निकाला हुआ था, और जहाँ लोग आपको फुटबॉल बनाए थे ना, ये वही बैठे हुए थे फुटपाथ पर। लानत,
मगर पापा आप क्यों इतना परेशान हो रहे? इंशाल्लाह अब दो से चार दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दो चार दिन का नुकसान तेरा बाप भरेगा? रमजान है, सीजन चल रहा है हमारा, कमाई के सारे दर बंद करा दिए। मगर पापा आपका कौन सा खर्चा हो रहा है? आप तो वैसे ही मेरे पैनल पे हैं। अबे पैनल का एहसान जता रहा है मुझ पे? कौन सा तेरी जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं? अरे अब्बा मैं हूँ ना, जो आप बोलेंगे वही होगा, इन दोनों को तो वैसे ही मायने समझे। बस ठीक है, फिर तू तैयारी पकड़। अच्छा अभी अब्बा वो मैं जा रहा हूँ, बेरोस्त तो है ना, तो कल आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ जो भी कोई बात हो आप मुझे फोन पे बता दीजिएगा पापा। अच्छा ओके बाय। फिरोज शहरी, अरे फिरोज शहरी, बेरोस तू कहाँ जा रहे हैं? इधर रोजा है तेरा? जी अब्बा। यहाँ के लेट जा, चुप जा। अब्बा वो घर ले जा। बेगम आप रूठ जाती है ना तो किसी भी चीज में दिल नहीं लगता। ये लीजिए आइसक्रीम खा लीजिए। मुझे नहीं खाना, मेरी तो किसी को फिक्र नहीं है। मुझे मेरी माँ नहीं समझती तो आप क्या समझेंगे? अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे शहरी साहब आइए प्लीज, अंदर आइए। नहीं नहीं आप लोग बैठे हैं बस। आइए प्लीज, आइए ना, आइए आइए, तशरीफ रखिए। लगता है आपने कभी मोहब्बत नहीं की, इसीलिए उदास रहते हैं। मैं तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तो कहता हूँ आप भी शादी कर लीजिए। कोई और बात करें, मुझे लगता है शहरी बोर हो रहा है। वैसे उज्मा घर में भी आपकी बहुत बातें करती है। सच? क्या कहती है उज्मा? रहने देना, कोई और बात करें। अरे नहीं नहीं आप बताएं। उज्मा कहती है अल्लाह ने उन्हें भाई नहीं दिया, लेकिन शहरी की वजह से उन्हें कभी भाई की कमी महसूस नहीं हुई। बस सुने सुने तो सही। कभी खुशी कभी गम। दो दिन में डिस्चार्ज हो जाऊंगा। नहीं बेटा एक बात सुनना। जी बोले। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम बरकत है। माशाल्लाह कितना प्यारा नाम है बरकत। बरकत बेटा जरा एक काम करो, बाहर मेरा बेटा बैठा होगा ना मुराद, जरा उसे बुला दो, बीवी से फोन पे बात कर रहा होगा। ठीक है। बरकत जरा जाते जाते मेरा ब्लड प्रेशर भी चेक कर दो। अरे आपको तो इतनी चोटें नहीं आई हुई है, ये तो आपकी जिद की उसे इतनी पट्टी हमने कर दी, उन्हें तो जरूरत ही नहीं थी, आप ब्लड प्रेशर क्यों चेक करा रहे? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मामूली चोटें हैं या नहीं है, और ब्लड प्रेशर चेक करा रहा हूँ, मेरी तबीयत में हॉल उठ रहे। जाओ लेकर आओ बीपी का आला। बकवास कर रहे हैं आगे से। अजीब भी पेशेंट मिला है। दो टके का वार्ड बॉय डॉक्टर समझता है अपने आप। अरे शेरी और फिरोज भाई भी ना यहाँ मुझे फंसा कर निकल गए। अच्छा जाना तुम नाराज तो ना हो। अशमुद्दीन के साथ आप? हाँ क्यों, क्या हो अब्बा को? अरे ऐसी बस बिला हुए टेंशन दे रहे, जाए आपको बुला रहे हो। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? क्या हो अब्बू, क्या हो? अरे बदबक जब कुछ होगा तभी आएगा तू, बाहर बैठा हुआ लुगाई से बातें कर रहा और यहाँ मेरा सांस तेज तेज चल रहा है। अबू सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बता मोबाइल है तेरे पास? नहीं नहीं अबू मोबाइल तो नहीं है मेरे पास। ये जेब में क्या है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं अबू, कुछ भी नहीं है। निकाल चल बाहर निकाल के आइए। अबू वो बैलेंस नहीं है इसमें अबू। दे इधर, नेट चलता है इस पे? नहीं अबू नेट वाला नहीं है ये। लाना था तुम पर, कुछ वेबसाइट ही चेक कर लेता, टाइम पास हो जाता मेरा। आके बैठ जाओ यहाँ पर और हिलना नहीं यहाँ से, बैठ इधर आके। बैरोस, बैरोस। क्या हुआ अबू, क्या हुआ? बेटा टाइम क्या हो रहा है? अबू मोबाइल में देख लेना, मुझे क्यों उठा रहे हैं? भाई मोबाइल का टाइम सही नहीं लग रहा, तभी तो तुम्हें पूछ रहा हूँ। अबू 2 बज रहे हैं रात के। इसमें 2:01 हो रहे थे। ठीक है तुम सो जाओ, कोई बात नहीं। बैरोस, बैरोस। जी अब्बू क्या हुआ? मेरी चप्पल किधर है भाई? अबू आपने कहीं जाना है? अरे नहीं भाई काफी देर से नजर नहीं आ रही। अबू यही कहीं पड़ी होगी ना। अरे ढूंढ उसे चप्पल को, कहाँ है? कहाँ जा रहे हैं आप? बेगम मैं जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ पापा को देखने के लिए। वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बदनामी तो हमारी होती फिर रही है। अल्लाह जाने किस किस की दीवारें फैलांगते फिर रहे हैं। कुछ तो शर्म होती है फिरोज, कुछ तो हया होती है। अरे बेगम जो होना था वो तो हो गया। देखिए जाना तो मजबूरी है ना, बनता है ना, अब जाना तो है। पहले मुझे मेरे घर छोड़ दें, फिर जहाँ जाना है चले जाइएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, चले आप तैयार हो जाएं। वाह भाई वाह, तुम जैसी औलाद होती है जिसको पैदा होते ही मार देना चाहिए। बाप पड़ा हुआ अस्पताल में और तुमको लगी भी इनको छोड़ने के लिए। आप सबके सब एक ही जैसे हैं। मेरे शौहर कल रात से हॉस्पिटल में, आप यहाँ पर सो रहे हैं और अपनी नाकाम मोहब्बत पे आंसू बहाए जा रहे हैं, और ये साहब चले अपनी बेगम को मैके छोड़ने। बिस्मा मेरा मुंह मत ही खुलवाओ तो अच्छा है। अब्बा किसकी दीवारें फैलांग रहे थे और ये किसकी मोहब्बत में आंसू बहा रहा है? सबकी डोरें ना तुम्हारे घर ही जाती है। ओ भाई समझा ले इनको, इस मामले में बहुत हसास हूँ, हाँ बता रहा हूँ। अरे भाई ये आप लोग रोज इसी तरह लड़ते रहते हो या आज कोई नया वाकया है? सुल्तान अंदर आ जाए, लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जी बेगम। जाओ। तमीज से, ये आपकी बड़ी भाभी है, समझ रहे ना आप? चले बेगम। लख लानत है भाई तुम्हारे पास, लख लानत है।
अरे बरकत बात सुनना जरा। क्या मुसीबत है, मैंने से अपना नाम क्यों बताया? जी बोले। बेटा एक गिलास पानी पिला। अच्छा ला रहा हूं। बेटा जरा ये चादर भी बदल दो। अच्छा बदल देंगे। नहीं नहीं अभी बदलो। अच्छा अभी बदल देंगे। थैंक यू। बरकत ये पट्टे अकड़ ले, जरा एक्सरसाइज करा दे बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। चुप कर मर्दूत, अब आ रहा है तू? बैरोज को गए कितने देर हो गई और बाप को यहाँ लावारिस छोड़ दिया, और फिरोज किधर है? एक दफा भी नहीं आया यहाँ पर। वो ससुराल में बैठा है, वो नहीं आ रहा अभी। तू कहाँ जा रहा है भाई? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं किसी और मरीज को देख लूं। अच्छा अच्छा देख आओ, लेकिन जल्दी आना, अभी फिजियोथेरेपी भी करनी है। बुढ़ा कूसड़। अबे तुझे बोला भी था जल्दी आना, तू अब आ। चांद रात है, सारा सीजन निकाल देगा तू। सीजन किस चीज का सीजन? पर्चियां निकालियां नीचे रखी हैं। ये क्या है? प्यारे हशमत फाउंडेशन की फितरे की पर्चियां घर घर तकसीम कर दे। प्यारे हशमत फाउंडेशन, ये क्या चक्कर है? चक्कर वक्कर को छोड़, तू जाके लोगों को बोल कि फितरा प्यारे हशमत फाउंडेशन को दे, वरना क्या कहेगा? फितरा प्यारे हशमत फाउंडेशन को दे वरना। शाबाश, अब तू निकल। लेकिन अब्बा आप अकेले? मेरी टेंशन नहीं ले, मुझे यहाँ बरकत संभाल लेगा। तू जा। जाऊं? जा जा जा। अब अल्लाह करे वो कर ले जो मैंने कहा है इसे। फितरा प्यारे हशमत फाउंडेशन को ही देना वरना। वरना बेटा जानते नहीं हो, एक नंबर का बदमाश है बदमाश। क्या? काट डालेगा, मार डालेगा, चीर डालेगा, फाड़ डालेगा। बदमाशों का भी बदमाश है हशमत, प्यारे हशमत, समझ गया? फितरा वही आना चाहिए, कहीं और गए ना तो तू कहीं और चला जाएगा, समझ गया? हेलो अस्सलाम वालेकुम, शाजमान से रईस बात कर रहा हूँ। अखबार में आप लोगों का ऐड दिखा था, ये हशमत अपने बच्चों के साथ फितरे की पर्चियाँ बांट रहा है। जी जरा देख लें प्लीज, बहुत बदमाशी कर रहे हैं वो लोग, गिरेबान पकड़े गए मेरा। जी थैंक यू। शॉपकीपर, शॉपकीपर। हाँ जी बहन जी। ये पिंक ड्रेस कितने का? 5000। और ये ग्रीन? 7000। और ये रेड? प्लस ओ। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई होना क्या है, तुम लोगों के लिए ईद का पैगाम रिकॉर्ड करा रहे थे, अब क्या पता ईद यहीं अस्पताल में गुजरे। मैंने कहा था तुम्हारा बाप नहीं सुधरने वाला, मैं जा रही हूँ। किरण, किरण, हद करते हैं आप भी पापा, वो आप खाना रुकइए के साथ डब स्मैश बना रहे, और वो भी इस किरण। उसको पता नहीं क्या चलन है भाई। हशमत साहब ये तुम्हारी बहू बहुत ज्यादा नकचड़ी है भाई, एक बार तुम आ जाओगी तो फिर काबू करके रखना, समझ रही हो? तुम्हारा ही होल्ड होगा। अच्छा तो तू मासूम शहरियों से जबरदस्ती फितरा लेता है, हैं? सही है, बता ये प्यारे हशमत कौन है? इसको तो मैं भी नहीं जानता, और ये फाउंडेशन का है ये भी नहीं पता। बस सही सही बता दे जो पूछ रहा हूँ तुझसे मैं। अच्छा ये बता कि फितरे की पर्चियां तेरे पास आती कहां से? वो तो अब्बा ने दिए। अबे क्या घर में छापते हो फितरे की पर्चियां? कौन है तेरा बाप? मेरा बाप हशमत। हशमत ये लो। और ये बता दीवार पे चढ़ने की क्या जरूरत थी? अरे बस वो एक्साइटमेंट में चल गया था। तुम मुझे मैसेज नहीं कर सकते थे? मैं तुम्हारे रूबरू पहुंच के तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अच्छा मैं चलती हूँ, कुछ देर तो बैठो प्लीज। गोल्डन झुमके कलाइया।
ये बता, ये नेटवर्क तू कब से चला रहा है? मासूम शहरियों से भत्ते की सूरत में फितरा वसूल करता है तू, हैं? ये बता, अब तक कितना भत्ता वसूल कर चुका है तू? सच सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे रेंजर के हवाले कर दूंगा। अरे नहीं साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सब अब्बा का किरदार, अब्बा के भिखावे में आने की वजह से ये सब हुआ है, और ये सब अब्बा का प्लान है। मुझे वादा माफ, गवाह बना लो, लेकिन रेंजर के हवाले मत करना, अल्लाह के वास्ते। चल उठ, उठ। नहीं साहब, बैठ। आप बरकत जरा इधर आना भाई, ये देख जरा नाखून नीले पड़ रहे हैं मेरे। अरे अभी तो पूरा जिस्म नीला होगा बड़े मियां, पुलिस आ गई है तुम्हारे बेटे को लेके। कौन से बेटे को? वो चश्मे वाला, दाढ़ी वाला। सत्यानाश, गायब दिमाग ने फिर मरवा दिया। ये बता, डॉक्टर का कमरा किधर है? क्यों, तुम्हें क्या करना है? अरे मुझे जो भी करना है बता, किधर है कमरा? यहाँ से सामने जाओगे, सीधे हाथ पे कमरा है। तू थक गया होगा ना बेटा, एक काम कर, तू यहाँ लेट जा। नहीं नहीं, मैं नहीं थकूं। अरे अरे लेट जा। अरे अरे मुझे, अरे अरे तूने मेरी इतनी खिदमत की, थोड़ा मुझे ही मौका दे, लेट जा मेरा बेटा, लेट। अरे अरे लेट जा, लेट जा, लेट जा, लेट जा मेरा बच्चा, लेट जा। यहाँ आराम से लेट आ रहे, मैं आ रहा हूँ, बस दो मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ लेट आ रहे। देखो भाई, अब परेशानी की कोई बात नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सही है? अल्लाह पे भरोसा रखो, समझे? अब्बा? अब्बा? मैं? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। क्या? Actually it's a genetic mental disorder. ऐसे केसेस में पेशेंट अपने बाप को नहीं पहचानता। मेरे ख्याल में शायद ये आपकी कस्टडी में है, जब ये रिहा हो जाए तो मेरे पास ले आइएगा, मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा। ओके बेटा? अब्बा मैं शहरी आपका बेटा। बहुत ही कोई बदतमीज बच्चा लगता है, हवास को बैठा आपने। हवास तो अब तुम खो जाओगे बड़े मियाँ, प्यारे हशमत। अरे ले चलो इसे। नहीं नहीं नहीं, मैं डॉक्टर खयूम हूँ, मैं तो यहाँ ऑपरेशन के लिए आया था, ओपन हार्ट सर्जरी केस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अबे ये हड्डियों का अस्पताल है, तू यहाँ पे हार्ट सर्जरी करने आया है? अच्छा, बहुत बड़ा चीटर है बुड्ढे तू तो। नहीं नहीं नहीं, अबे ले चलो इसको, ले चलो ले चलो। भाई मेरे मरीज का क्या हुआ? भाई उसके दोनों किडनी फेल हो गए, हार्ट भी काम नहीं कर रहा है और ब्रेन ने भी जवाब दे दिया। अब बस अल्लाह अल्लाह करो। उसके तो पांव में चोट लगी थी। भाई मैं मजाक कर रहा था, एक्चुअली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझ पे फ्रॉड का केस है, ये लोग मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। अबे बुड्ढा पागल बना रहा है तुम्हें, हट इधर से। अबे दो घंटे से परेशान कर दिया मुझे। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या कह दिया तूने लोगों को जो लोग भिदक गए और उन्होंने कंप्लेन कर दी। आपने जो बोला था वही बोला मैंने भी। क्या कहा था मैंने? फितरा प्यारे अशमत फाउंडेशन को देना, वरना उसकी दोस्ती तो देखिए दुश्मनी है कि गुंडा है बहुत बड़ा, वो टांगे हड्डी पसली सब तोड़ सकता है वो। अरे ये सब मैंने कब कहा था, वरना के आगे की लाइन तूने खुद ऐड कर दी, पागल तो नहीं है तू? जुमला टूट रहा था इसलिए कंप्लीट कर दिया। वाह बेगैरत इंसान, अभी दिया थाने में गुजारनी पड़ेगी, और मंटू की औलाद जुमले मुकम्मल कर रहा है। अच्छा पहले तो बोलते थे कुछ करता नहीं करता नहीं, अब कुछ कर रहा तो हट रही है, वाह भाई। दिल चौरा यहीं से चप्पल उठा के मुंह पे मारूं इसकी, बकवास कर रहा है आगे से, बकवास कर रहा है। अबे क्या तुम लोगों ने चीखना चिल्ला लगाया है? आईजी साहब आप चुपचाप नहीं बैठ सकते तुम लोग? बच्चा तंग कर रहा था तो जरा समझा रहा था। लगता है मैंने तेरे को कहीं देखा है। याद आया याद आया, आपने तरावी मेरे साथ पढ़ी थी, बिल्कुल बराबर में खड़े हो गए। मैंने तरावी पढ़ी नहीं है। ये तो बहुत बुरी बात है, तरावी पढ़नी चाहिए। देखो पुलिस की नौकरी अपनी जगह, तरावी अपनी जगह, इबादत नहीं छोड़नी चाहिए। अब याद आया, अबे तूने पिछले साल अपनी बहू का बकरा चुराया था ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे अब्बा आप भूल रहे, अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे, हम वही लोग हैं, वही लोग। का मतलब है तू आदमी मुजरिम है? अब देख मैं तेरा पिछला भी केस निकाल के तेरे साथ करता क्या हूँ, तू ये देख खाली। क्या जरूरत थी उन्हें सच बताने? अल्लाह अब्बा लग रही है, अल्लाह अल्लाह कसम, ये इतनी को ईद है भाई जान। अब्बा और शेरी भाई जेल में क्या कर रहे होंगे? अब्बा की डांट और शेरी भाई की मार, भाई अब्बा की बहुत याद आ रही है। ठीक है यार, ठीक है। अब्बा और शेरी की हरकतें ही ऐसी थी कि खैर अब क्या कह सकते हैं, साल छह महीने में आखिर छूट के आ ही जाएंगे। हाँ, नहीं तो दूसरी ईद को तो आ ही जाएंगे। बेगैरत संदूरी, साल छह महीने यहाँ खड़ा है आराम से, बाप को छुड़ाने नहीं आ सकता था? वो तो अल्लाह भला करे मेरे दामाद सुल्तान का कि वो वक्त पे आ गया। दामाद जी, ईद के खूबसूरत मौके पर चचा हशमत का निकाह खाला रुकैया से हो रहा है, वो भी बाद नमाज जोहर, बैवस 70,000 रुपए हक महर, सिक्का राइजुल वक्त। आप सबसे शिरकत की अपील है। 70,000? अरे अब्बा आप भी इस उम्र में? बस भाई क्या कर रहे हैं आप? नहीं यार,
Ladies and gentlemen, as you know that I and Rukaiya has been married today. अरे हशमत साहब, इतनी मुश्किल इंग्लिश लेके कहाँ समझ रहे होंगे ये लोग? उर्दू में तकरीर करो ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं और रुकैया शादी के मुकद्दस बंधन में बंध गए, तो हमने प्लान किया है कि 2 महीने के लिए मैं और रुकैया सवाद जा रहे हैं हमारे दामाद सुल्तान की तरफ से। अरे ये मैंने कब कब कहा है? सुल्तान के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत शुक्रिया सुल्तान, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में एक सेल्फी हो जाए ईद के मौके पर। आ जाओ सारे, आ जाओ। मुस्कुरा दो बेहतर, तो मुस्कुरा दो। आगे देखो, 1 2 3।